जय हिंद किसान दोस्तों, किसान वीरों, मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे आपको आलू मंडी ताज़ा भाव सबसे पहले प्राप्त होते हैं। किसान भाइयों, देश की बड़ी मंडियों के आलू के ताज़ा भाव हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। कैसा भविष्य इस बार रह सकता है, किसान भाइयों को इस बार कितना रेट मिल सकता है, क्या किसान भाइयों को इस बार 30 से 40 रुपये तक क्या भाव देखने को मिलेगा, क्या कई किसान भाई जो रिस्क लेके कोल्ड स्टोरेज में आलू रख रखा है उनको अच्छा भाव मिलेगा, या फिर किसान भाइयों को इस बार फायदा नहीं होने वाला है। तो सारी खबरें में इस वीडियो में जाने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर आपने आलू अच्छे दामों पर आप बेचना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हो, जिससे आपको व्यापारी लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे या फिर कोई भी इच्छुक होगा आपके आलू खरीदने के लिए वो आपको कॉन्टेक्ट कर लेगा। आप रेट और आप अपना एरिया का नाम जरूर लिख के बताएगा, जो भी खरीदना चाहता हो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकता है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हर लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। किसान भाइयों, हम बताना चाहूँगा कि इस देश की बड़ी मंडियों के ताज़ा भाव की बात करें तो ताज़ा भाव के अंदर आपका भाव उत्तर प्रदेश का जानते हैं तो उत्तर प्रदेश का अगरपुर में आपका 1100 रुपये, बदायूं के अंदर आपका 1100, बहेदी के अंदर 600, 505 रुपये, बलरामपुर में 1200, बहेजी के अंदर 620 रुपये प्रति क्विंटल, दादरी में आपका 1090 रुपये, दादरी की दूसरी मंडी में आपका 1150, देवीपुर में 900 रुपये, फरुखाबाद में आपको 960 रुपये, फतेहपुर के अंदर आपका 1160 रुपये, फतेहपुर सीकरी में 1060 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिला है। वही जौनपुर में 1330 रुपये प्रति क्विंटल, लालगंज की बात करें तो 1150, और मुरादाबाद के अंदर आपका 1160 रुपये, मुजफ्फरनगर के अंदर आपका 1110 रुपये, नोगढ़ के अंदर आपका 1130 रुपये, और नोएडा की बात करें तो 1125 रुपये, रामपुर की बात करें तो 1020 रुपये, सफदरगंज की बात करें तो 1210 रुपये, और सिरिसगंज के अंदर आपका 990 रुपये, और तिमकुनी रोड के अंदर 1500 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिला है। बंगाल की बात करें तो बंगाल की बड़ी मंडियों के अंदर भी भाव देखना अच्छा खासा देखने को मिला है। बंकुरा सदर में आपका 1030 रुपये, इंडस के अंदर आपका 1040 रुपये प्रति क्विंटल, करीमपुर में आपका 1560, नाडिया में 1230, पुरुलिया में 1020 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिला है। बीरभूम में आपका 1050 रुपये प्रति क्विंटल, और भोलपुर के अंदर आपका 1060, गुस्कारा में आपका 1190 रुपये। अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी मंडियों के ताजा भाव। मध्य प्रदेश की बड़ी मंडियों की बात करें तो मध्य प्रदेश की बड़ी मंडियों के अंदर आपका भाव में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं बड़वाह के अंदर आपका 1780 रुपये, देवास में 1200 रुपये, और मुरैना के अंदर 700 रुपये, छिंदवाड़ा में आपका 1500 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिला है। महाराष्ट्र की बड़ी मंडियों की हम बात करें तो महाराष्ट्र की अकलूज में आपका 1300 रुपये, अमरावती में 1400, औरंगाबाद में आपका 1200, भुसावल में आपका 2000, चंद्रपुर के अंदर 1500, जलगांव में 1200, कामथे में 2000, खेड़ के अंदर 1600, नासिक में आपका 1400 रुपये प्रति क्विंटल, पुणे में आपका 1500 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिला है, सोलापुर में 1650, वासी न्यू मुंबई के अंदर आपका 1700 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिला है। अब देख लेते हैं राजस्थान की बड़ी मंडियों के ताजा भाव। विजयनगर में आपका 995 रुपये, और जयपुर के अंदर आपका 1900 रुपये, जालौर में 1200, सूरतगढ़ में आपका 800 रुपये, और उदयपुर में आपका 1000 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिल रहा है। सीकर की बड़ी मंडी में आपका 1010 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिल रहा है। अब जान लेते हैं पंजाब की बड़ी मंडियों के ताज़ा भाव। पंजाब की बात करें तो पंजाब में बानूर में 800 रुपये, बठिंडा में आपका 1000 रुपये, बगता का भाई में आपका 1000, चमकौर साहिब के अंदर 400 रुपये, धर्मकोट में आपका 1000 रुपये, दरोहा के अंदर 800 रुपये, गढ़शंकर में 750 रुपये प्रति क्विंटल, खाना के अंदर आपका 600 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिला है, मोर के अंदर आपका 900, सिरहिंद में आपका 900 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिला है, वहीं सुनाम के अंदर आपका 600, राया के अंदर आपका 700 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिला है। तो ये था आज का लेटेस्ट अपडेट, बाकी आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय जवाहर।